इस वीडियो में आपको सोल्यूशन बताऊंगा अपने iPhone 6 की सीरीज़ में UPI कैसे चलाएं। दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि iPhone 6 में UPI वर्क नहीं करता है, और जब एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर शो कराता है बैंक की पॉलिसी के हिसाब से यह iPhone 6 में सिक्योर नहीं है और आप इसको नहीं यूज़ कर सकते, कुछ इसी तरह का शो कराता है। फिर बस आप रिटायर ही करते रहते हैं और UPI वर्क नहीं करता। तो दोस्तों, अभी मैं आपको एक सॉल्यूशन दूंगा। एक्चुअली ये सॉल्यूशन सभी के फ़ोन्स के लिए नहीं है, ये सॉल्यूशन कुछ ही iPhone 6 की सीरीज़ में वर्क करता है। ये प्रॉब्लम जनवरी 2020 में आई थी, यानी कि 2020 के स्टार्टिंग में, और दोस्तों उसी वक्त इसका सॉल्यूशन भी आ चुका था। और इसके अलावा ये बात एप्पल की कम्युनिटी में पता चली है कि आपको अपने फ़ोन को अपडेट करना है, अपडेट करते ही आप अपना UPI चलाने लगेंगे। लेकिन ये पक्का नहीं है कि हर किसी के फ़ोन में ये चलेगा। अब अगर आपके फ़ोन अपडेट है और आपके फ़ोन में चल रहा है तब तो बढ़िया है, सब कुछ गुड है। लेकिन आपका फ़ोन अपडेट होने के बावजूद भी उसमें नहीं चल रहा है तो उसके अलावा आप लोग कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, इसमें सिर्फ iOS 13 की ही ज़रूरत है, क्योंकि iOS 14 भी आ चुका है। लेकिन इस प्रॉब्लम को iOS 13 की ही सिर्फ ज़रूरत है। आपको सिंपली अपने फ़ोन को iOS 13 में अपडेट करना है और इसको ट्राई करना है। अगर चल गया तो अच्छी बात है, वरना आप लोग इसको iOS 14 में कर सकते हैं, यानी कि अब इसको आप लोग iOS 14 में अपडेट कर सकते हैं क्योंकि वो आ चुका है। हो सकता है अब आपके फ़ोन में चल जाए iOS 14 में, क्योंकि उस वक्त जो रिक्वायरमेंट थी वो थी 13 की और अब आ चुका है 14। हो सकता है कि आपके फ़ोन में अब चल जाए, यानी कि 2021 में, बट ये कन्फर्म नहीं है। बल्कि एप्पल कम्युनिटी में एक बात और बताई गई है कि ये एप्पल की मिस्टेक नहीं है। इसके लिए आप लोग अपने बैंक से जाकर कॉन्टैक्ट करें और उनसे कहें कि ये क्यों हो रहा है। वैसे काफ़ी लोगों ने वहाँ से कहा भी, लेकिन फिर भी इसका पक्का सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप लोग अपने फ़ोन को अपडेट कर लीजिए और उसके बाद ट्राई करें। अगर हो जाए, यानी कि चल जाए आपके फ़ोन में, तो वापस जाकर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि दूसरे लोगों को तसल्ली मिल सके। और ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। किसी भी तरह का डाउट तो कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।